राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। आपका नाम? नाम तो काला का आगरा है। कहाँ से हैं? गुवाणा। ये कहाँ पर पड़ता है? ये रोहत सोनीपत जिले में है। अच्छा है। तो कितने ऊँट है आपके पास? हमारे द्वारा 70-75 है। हमने तो पहली बार इतने ऊँट एक साथ देखे हैं भाई। हमारे तो 7 पीढ़ियां काम है, हमारे तो घने कई पीढ़ियां रखे हैं। अच्छा हाँ। तो ये बच्चे भी हैं छोटे छोटे? भाई बच्चे हैं इनमें, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। हाँ। बीच के साइज के भी हैं, ऊँटनी भी है, एक दो ऊँट भी है। तो घुमा कर चराते हो आप भाई? झंडी झुंडी खुआ दे, झंडी आपने दिख रही है लूंग खान ला रही झंडिया का। अच्छा, तो अभी तक तो हम ऐसा सुनते आए हैं जैसे ऊँटनी ब्याती है। हाँ। तो उसके बच्चे को छुपा के रखते हैं ना? उन्ना दूर छुपा कर रख दे, उंटड़ी आंटड़ी ब्याह में जो मारी। हाँ हाँ। चोड़े में ब्याह करके ध्यान बन में अपने आप लोट प्लेट को जैसे ही कहीं भी ब्याह जाती है रस्ते में ऐसे ही। अनुए ब्याह है खेता में, कड़े जंगल में, बीड़ में। तो आप कोई विशेष सीजन में ही बार घुमाते हो या लगातार बार ही घुमाते रहते हो? भाई 12 महीने 11 महीने तो इन जंगल में सरा, एक महीना घर आ रखा। एक महीने घर पे चलाते हो? हाँ। वो कौन सा महीना होता है? वो जिस तरह देसी महीना हो रहा है फागण का। अच्छा, यानी कि फरवरी के आसपास में, फरवरी और मार्च के बीच में। अच्छा हाँ। तो उस टाइम पे बाहर चारा नहीं होता है? वो सबकी में पतझड़ हो जाए फिर न्यार लिया घेरा गुआर का, चने का, मील का। अच्छा हाँ। तो जैसे आप बिक्री भी करते हो इनको? बिक्री भाई ये बच्चे जो बच्चे तो रख लिया। हाँ। और हाँ। बच्चे बेच दे। हाँ। छोटे बच्चे बेचते हो, बड़े करके बेचते हो? छोटा तो ना बेच दे हम लाख में भी। अच्छा, फिर ये बड़े बड़े हो जाते हैं, साल साल डेढ़ डेढ़ साल के ये बेचते हैं। हाँ। बड़े ऊँट टाइप के हो जाते हैं? हाँ, बड़े ऊँट टाइप में। हाँ, जो भाई अड़गाडी में मजबूत हो जाए, हम लोड खींचने में लायक हो जाए। अच्छा हाँ। तो और जो ऊँटनी होती है, बच्ची होती है, वो नहीं बेचते हो आप? भाई वो अपनी घर की ऊँटनी बना लिया। हाँ। अच्छा, ज्यादातर लोग तो ऊँटनी को भी गाड़ी में यूज करते हैं भाई। वो राठ क्षेत्र है ना, इसमें ये हीर है ना, हीरवाटी। हाँ। ये ऊँटड़िया ने चला कर राजी है ज्यादा। हाँ हाँ। ये भाई कदे ऊँट खा जा, ऊँट खा जा कदे। हाँ। अच्छा, और आप इनसे बच्चे लेते हो? हम इनका जी दूध बेच लिया, बच्चे बेच लिया जी। मारा तो दादा लाई काम है, 7 पीढ़ियां काम है। तो दूध भी बिकता है इनका? दूध बिका है। अच्छा। हाँ। क्या कितना दूध देती होगी ऊँटनी? ऊँटनी तो दे दूध वाली तो जी 7-8 किलो दूध, 8 किलो दूध टाइम का दे दे है। एक टाइम का? एक टाइम का। अच्छा हाँ। और क्या क्या रेट में बिक जाता है दूध? भाई जिस तरह शुगर के लीवर के मरीज आवे इन तो भाई हम 50 रुपये किलो भी दे दें, 100 रुपये किलो भी दे दें। हाँ। और डेयरी बच लिया था हमारा 45-46-47 रुपये किलो। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप हो अभी? हाँ। तो आपकी कोई गाड़ी आएगी या यहीं पे लोकल में ही दूध दे देंगे? भाई हम जिस तरह इस गांव में आ गए। हाँ हाँ। दूध वाले थे, फैट वाले थे, बात कर लिया। हाँ। तो उसने कह दिया भाई तेरे बस की बात हो तो भाई हम पूरा सीजन करेंगे। भाई वो कह दिया भाई मैं पूरा सीजन दूध ले लूँगा। हाँ हाँ। तो भाई एक साल उसके जमेरा वहाँ अपना धंधा करने की मारी। फिर वो उसने दूध दिया जा, पीछे दिया जा है। तो जैसे 1-1.5 साल का करके बच्चे को बेचते हो तो लगभग कितने रुपए में अंदाजा हो कि आप बेच जाता है? बच्चा बच्चा देखा था, बच्चा अच्छा दूध बेच रहा तो 5,000 का भी ना रहा है, और भाई चुहा दें तो भाई 20,000 का ही बिक जाए। 1-1.5 साल का? 1-1.5 साल का। कम का बिक रहा है फिर तो? 1-1.5 साल का 20,000 का तो भाई के करा तो भे... 60,000 का ऊँट लेके आए, 70,000 का ऊँट लेके आए। वो दे है दम फे मारे जनता, ऊँट गाड़ी आले, अड़ गाड़ी आले भी आवे हैं। ये छोटे बच्चे को ना होते 2-2 साल के। अच्छा हाँ। बड़े हो जाते हैं तब आते हैं इतने रुपए में? हाँ, बड़े हो जाए जब गाड़ी खूब लोड खींचना जैसे दामे इतने रुपये की। अच्छा हाँ। तो लगभग कितनी बचत आ जाती होगी आपको साल में इनसे? ना कि मैं बचत ना आती, एक धक्के धक्के की बचत आवे। हाँ। मतलब टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं वैसे, और बचत की मैंने ना कोई स्कीम, ना कोई सब्सिडी, ना कोई इंश्योरेंस। जैसे राजस्थान में एक ऊँटड़ी भी आवे तो उन्हें ब्याज के पीछे मिले हैं। जो मर्जे खर्चे उसके 50,000 मिला, अपने हरियाणा में तो कुछ भी ना मिलता। नहीं, वो इंश्योरेंस वगैरह कराते होंगे ना? वो तो सरकार की तरफ से सब्सिडी हुआ है। तो अपने हरियाणा में तो कोई स्कीम है नहीं सी। अच्छा हाँ। ये ऊँटनी आगे की होने के बाद में बच्चा कितने दिन में देती है? 12 महीने में। 12 महीने में? हाँ, एक साल में। अच्छा, आगे की होती है ये? तो ऊँट को कुछ घी वगैरह देते हैं? हाँ, घी देना पड़ता है। कितना घी देते हो आप? वो तो इसका हम तो 5-6 किलो देते हैं, बाकी कोई किलो दे दे, कोई 2 किलो दे दे। अच्छा, कहते हैं ना कि ऊँट फिर एक बार ऊँटनी पे चढ़ गया तो उसके बाद में उठा नहीं जाता है उससे? ना ना, खूब उठेगा, खूब उठेगा। हाँ।
भाई आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वो ठंडे के चक्कर में दे दी भाई।